क्षेत्र में सबसे पहले बात लखनऊ में विवेक तिवारी मर्डर केस की करेंगे, जिसे लेकर अब तक तो यूपी पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन अब नेता भी सवालों के घेरे में आ गए। वजह यह है कि इस मर्डर केस को लेकर अब जातिवादी कार्ड खेला जा रहा है। हम आज आपके सामने इस खबर का एक एक पहलू रखेंगे और आपको दिखाएंगे कि नेताओं ने कैसे इस मामले में सियासत शुरू कर दी है। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि आज इस मामले में हुआ क्या। एप्पल कंपनी में एरिया सेल्स मैनेजर विवेक तिवारी की हत्या के बाद आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ विवेक की पत्नी और बच्चियों से मिले। विवेक की पत्नी कल्पना अपने दोनों बेटियों के साथ आज सुबह सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलने पहुंची। यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा खुद कल्पना तिवारी और उनकी बेटियों को साथ लेकर सीएम आवास पहुंचे। योगी ने इस दौरान कल्पना से मुलाकात की, फिर उनकी बच्चियों से भी उन्होंने बात की। सीएम ने परिवार को इंसाफ का भरोसा दिलाया। योगी सरकार ने दोनों बच्चियों के खाते में 25 लाख रुपए जमा करवाए हैं। साथ ही पत्नी के नाम पर 5 लाख रुपए की एफडी भी करवाई गई है। मुलाकात के बाद योगी आदित्यनाथ ने मामले की जांच को लेकर डीजीपी से बात की। माननीय मुख्यमंत्री जी, घटना के तुरंत बाद से ही लगातार परिस्थितियों को वॉच कर रहे थे और जितनी कठोरतम कार्रवाई हो सकती थी उन्होंने दोषी तत्वों के खिलाफ किया। परिवार के साथ पूरी तरीके से शुरू से पूरी सरकार का सहयोग रहा है। पूरी तरीके से बच्चों के भविष्य के प्रति, परिवार के प्रति पूरी जिम्मेदारी के साथ में चिंतनशील है। 25 लाख रुपए सहायता राशि की घोषणा सरकार ने पहले करी थी और मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि बच्चों की समुचित पढ़ाई हो। विवेक तिवारी की पत्नी कल्पना पहले ही दिन से पुलिस वालों पर सवाल खड़े कर रही है और योगी सरकार से इंसाफ की गुहार लगा रही है। आज सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलने के बाद वो संतुष्ट नजर आईं। आपको सुनवाते हैं कि कल्पना तिवारी ने योगी से मिलने के बाद क्या कहा। मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद इसमें पीड़िता अपने घर आई हुई हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं कि इस मुलाकात के बाद वो कितनी ज्यादा संतुष्ट हैं। हालांकि जो घटना हुई वो वापस नहीं हो सकती, लेकिन मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद आप कितनी ज्यादा संतुष्ट हैं, किन किन बातों का वादा किया उन्होंने? मैं सबसे पहले मुख्यमंत्री जी की बहुत बहुत आभारी हूँ कि मैं जैसे बार बार उनसे मिलने की इच्छा जाहिर कर रही थी, आज मुझे उसका मौका मिला। उन्होंने सम्मान पूर्वक मुझे उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम साहब दिनेश शर्मा जी के भेज करके मुझे सम्मानपूर्वक अपने आवास में मेरे बच्चों के साथ बुलाया। उनसे मिलने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं जैसा मैं दो दिन से अपने आप को एकदम बेसहारा, असहाय, लाचार महसूस कर रही थी, मुझे एहसास हुआ कि नहीं, मेरे सर पे है मेरे मुख्यमंत्री जी का जैसे मैं का हाथ है। जैसे मैं बार बार कह रही थी कि हाँ मुझे अपनी राज्य सरकार के ऊपर भरोसा है, तो आज मेरा वो भरोसा और पक्का और मजबूत हो गया कि हाँ ऐसी दुख की घड़ी में मेरे, जबकि मेरा सब कुछ बिखर गया है, सब कुछ खत्म हो गया है, मेरे मुख्यमंत्री जी हैं मेरे साथ में। मेरी जो भी समस्याएं थी, चाहे वो जीविकापार्जन के लिए नौकरी की थी, चाहे आवास की समस्या थी, बच्चों की एजुकेशन थी, बच्चों का फ्यूचर, मेरी बूढ़ी सास की देखभाल के लिए, सारी चीजों पे मैं उन्होंने मुझे जो भी मेरी उनसे बात हुई मैं उससे पूर्णतः संतुष्ट हूँ। इंडिया न्यूज रिपोर्टर विजय मिश्रा ने विवेक तिवारी की पत्नी से ही नहीं उनकी बेटी प्रियांशी से भी बात की। प्रियांशी भी आज अपनी मां के साथ मुख्यमंत्री योगी से मिली थी। सुनिए प्रियांशी का क्या कहना है। इसमें हमारे साथ प्रियांशी हैं जो कि मुख्यमंत्री से मुलाकात करने गई थी। हम इसे बातचीत करते हैं, जब मुख्यमंत्री के पास ये थी तो किस तरह की बातें हुई, मुख्यमंत्री ने इनसे क्या क्या कहा, किन विषयों को लेकर किन से बात हुई? जब आप मुख्यमंत्री के पास थे तो किस तरह से बात हुई, उन्होंने पढ़ाई को लेकर आपसे बातचीत की, क्या क्या बातचीत की उन्होंने? उन्होंने बहुत अच्छे से बात किया, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया हमें और उन्होंने कहा कि वो आगे भी हमारे स्टैंड लेने में मदद करेंगे और उन्होंने पढ़ाई के लिए भी बहुत मतलब अच्छे बहुत सपोर्ट किया उन्होंने हर चीज के लिए। उन्होंने किस क्लास में आप पढ़ती हैं कुछ और भी लेकर आपकी बातचीत हुई? हाँ सब पूछा उन्होंने। मैं देखा फोटो में काफी नजदीक आप खड़ी थी और मैं देख रहा था काफी बातचीत भी आपकी हो रही थी, तो और भी कुछ घटना को भी लेकर उन्होंने कुछ कहा? अब घटना के बारे में तो सब दुखद ही है, वही सब अपना करेंगे क्योंकि और यही सब होगा कि दुखद घटना थी। पहले तो हम लोग पहुंचे नहीं थे, हम लोग थोड़ा लेट पहुंचे थे क्योंकि जब हम लोग जाम में फंस गए थे थोड़ा लेट पहुंचे थे, इसलिए हमें सारी बात नहीं पता कि उन्होंने क्योंकि जब हम लोग क्या बात हुई वो मम्मी से बात हो गई हमारी, आपको लेकर पढ़ाई को लेकर आपसे बातचीत कर रहे थे, विषयों को लेकर बात कर रहे थे, पढ़ाई में आप कैसे हैं ये पूछ रहे थे, किस तरह की बात रही?
यही पूछ रहे थे कि कौन सी क्लास में हो और क्या क्या नाम है, कौन सी ब्रांच में है, यही सब पूछ रहे थे। और उन्होंने डॉक्टर जगदीश गांधी, मिस्टर जगदीश गांधी से बात भी की उन्होंने, लेकिन वो शायद कोई फंक्शन में बैठे थे तो वो फोन नहीं रिसीव कर पाए। आपको कैसा लगा मुलाकात के बाद, आपको कितनी हिम्मत आई, क्या लगा कि मुख्यमंत्री जी अब हमारे साथ हैं, कितनी हिम्मत बढ़ी आपकी? बहुत अच्छा लगा, मतलब बहुत सपोर्ट किया है उन्होंने, बहुत हिम्मत बढ़ी है। विजय मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय, आपसे जानना चाहेंगे कि परिवार की आज चीफ मिनिस्टर से मुलाकात हुई है, डीएम ने ये भी भरोसा दिलाया है कि लखनऊ जो ये मामला है पूरा ये 30 दिन में सुलझा लिया जाएगा, अभी तक ये मामला कहां तक पहुंचा है, पुलिस कहां तक पहुंच पाई है? देखिए, अगर बात करें पूरे मामले की तो यहाँ पर थोड़ी देर पहले ही अभी खुद नगर आयुक्त आए हुए थे इंद्रमणि त्रिपाठी, उन्होंने यहाँ पर सीधे आकर के परिवार से बातचीत की। जो कल्पना तिवारी हैं, इनका पूरा सर्टिफिकेट और जो इनकी मार्कशीट थी उसकी फोटोकॉपी उन्होंने ली है और सीधे इसे आज प्रशासन को प्रेषित करेंगे। यानी ये माना जा रहा है कि जो नौकरी का वादा किया गया है उसे जल्द से जल्द पूरा करने की जो एक प्रक्रिया थी वहां पर सरकार जो है वो आगे की तरफ बढ़ गई है। सबसे खास बात यह है कि अभी थोड़ी देर पहले यहां पर अखिलेश यादव जो थे वो मुलाकात करके निकले हैं और अभी अभी यहां पर केएल शर्मा पहुंचे हैं, सोनिया गांधी के प्रतिनिधि, जो कि यहां से सीधे फोन पर सोनिया गांधी से बातचीत करवाएंगे। हालांकि जांच की प्रक्रिया की हम बात करें तो अभी तक मौके पर जाकर के यहां पर जो सैंपल्स हैं वहां से कलेक्ट किया गया है एसआईटी की तरफ से। और सबसे खास बात यह है कि अभी तक इस पूरे मामले पर परिवार वालों के पास अभी तक नहीं पहुंचे, ये माना जा रहा है कि जो पुलिसकर्मी है उनसे उनकी बातचीत हुई है। मौके पर जाकर उन्होंने बाइक को देखा है, मौके पर जाकर उन्होंने जहां पर जो वो एक्सयूवी खड़ी हुई है उसको जाकर के उन्होंने देखा है। तो जांच प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। हालांकि सुबह सुबह ही कानून मंत्री का बयान आया था कि जो भी अधिकारी इस पर लीपापोती के लिए लगे हुए हैं हमें जानकारी हो गई है और अगर अधिकारियों को उन्हें चेता दिया गया है तो जाहिर है कि सरकार की तरफ से अपनी मंशा को पूरी तरह से साफ करने की कोशिश है। सरकार की तरफ से बिल्कुल साफ क्लियर संदेश दिया जा रहा है कि पुलिस के जरिए गलती जरूर हुई है लेकिन इसमें सरकार का कोई भी हाथ नहीं है और सरकार के संज्ञान में जैसे ही ये पूरा मामला आया है उसके बाद से ही वो तुरंत एक्टिव है। हालांकि ये जरूर है कि इस पूरे मामले को लेकर के ठीक है, विवेक हमारे साथ बने रहिएगा, आपके पास हम वापस लौटेंगे। विजय, तो विवेक तिवारी हत्याकांड में एक सीसीटीवी वीडियो भी अब सामने आया है, ये सीसीटीवी वीडियो शूटआउट से ठीक पहले का बताया जाता है। इसमें विवेक की एसयूवी और बाइक पर जाते पुलिस वाले दोनों नजर आ रहे हैं। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से विवेक की जो कार है वो निकल रही है और एक तरफ से पुलिस की जो कांस्टेबल की बाइक है वो भी नजर आ रही है। तो ये उस रात के शूटआउट से पहले का वीडियो है, सीसीटीवी वीडियो जो कि अब सामने आया है। और इस वीडियो में देखिए आप जो डिवाइडर है, डिवाइडर के एक तरफ तो वो एसयूवी जाते हुए दिख रही है और डिवाइडर के दूसरी तरफ जो दो कांस्टेबल्स थे उनकी मोटरसाइकिल भी जाती हुई नजर आ रही है। विजय मिश्रा लगातार हमारे साथ इस खबर पर बने हुए हैं। विजय के पास हम वापस चलेंगे। विजय, ये सीसीटीवी वीडियो उस रात की कहानी बताता है कि उस रात जो कुछ हुआ होगा उससे पहले की कहानी बता रहा है और लगभग एक ही जगह पे एक ही वक्त पर जो एसयूवी है विवेक की वो भी और जो दोनों पुलिस वाले उनकी बाइक भी नजर आ रही है सीसीटीवी में। बिल्कुल, ये जो सीसीटीवी फुटेज मिला है इसके जरिए से एसआईटी को जांच में काफी ज्यादा मदद मिलेगी क्योंकि पुलिस का जो बयान आया था उसमें ये कहा गया था कि ये एक्सयूवी जो थी वो एक स्थान पे खड़ी हुई थी, फिर वो अपनी बाइक लेकर जाते हैं और एक्सयूवी के आगे खड़ी करते हैं और पूछताछ करते हैं। इसमें एक्सयूवी धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई दिख रही है, बाइक जो है पुलिस की बाइक भी जो है वो उसके पीछे निकली है, तेजी से निकली है। इसका मतलब यह है कि इस गाड़ी को जब वो वहां से निकलते देखे थे तो उसके पीछे बाइक आई थी और मुझे लगता है कि जब इस गाड़ी को उस बाइक को गाड़ी के सामने ले जाकर खड़ी किया गया था, जिस तरह का बयान जो लगातार इसमें पीड़ित के साथ या मृतक के साथ जो लड़की थी वो लगातार इस पूरे मामले पर बयान दे रही थी तो वो यहां सीसीटीवी फुटेज में क्लियर होता हुआ दिख रहा है। अब एसआईटी इस पूरे मसले को देखेगी कितने बजे का ये पूरा फुटेज है और इस फुटेज के बाद किस तरह की पूरी घटना हुई है, क्योंकि पुलिसकर्मी अभी तक यही कहते हुए नजर आ रहे थे कि गाड़ी जो थी वो खड़ी थी और गाड़ी के सामने उन्होंने ले जाकर के मोटरसाइकिल लगाई थी और ये बार बार कहा जा रहा है परिवार की तरफ से कि चलती हुई गाड़ी के सामने मोटरसाइकिल लगाई गई तो यानी कि जो पुलिस की कहानी थी वो सीसीटीवी वीडियो के जरिए यहाँ पर झूठ नजर आ रही है। विवेक तिवारी हत्याकांड को लेकर यूपी में सियासत तेज हो गई है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने आज योगी सरकार पर निशाना साधा, लेकिन योगी पर निशाना साधते हुए मायावती ने आज जातिवादी कार्ड खेल दिया। मायावती ने कहा कि यहाँ ब्राह्मणों का शोषण हो रहा है और भय का माहौल है। आपको सुनवाते हैं कि मायावती ने क्या कहा। इनकी सरकार की खासकर जातिवादी विद्वेषपूर्ण व पक्षपाती रवैये के कारण अब यहाँ खुलेआम पुलिस की वर्दी में गुंडों, बदमाशों व अराजक तत्वों का राज चल रहा है।
अपर कास्ट समाज में से विशेषकर ब्राह्मण समाज के लोगों का भी अब कुछ ज्यादा ही शोषण व उत्पीड़न आदि हो रहा है। और जब मायावती ने ब्राह्मण कार्ड खेला तो ओवैसी भी पीछे नहीं रहे। आपको सुनवाते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी ने इस मामले पर क्या कहा। लखनऊ में उत्तर प्रदेश की कैपिटल में एक एग्जीक्यूटिव एप्पल कंपनी के तिवारी को गोली मार दी गई, कोई वजह नहीं, उसके खिलाफ कोई केस नहीं, कुछ उसका रिकॉर्ड नहीं, तो ये तो मर्डर है। तो मगर ये जो चीफ मिनिस्टर और उनकी गवर्नमेंट का ये जो अनलॉफुल चीजों का प्रमोशन है, इसकी वजह से दिन देखना पड़ रहा है। अगर मिसाल के तौर पर अगर वो तिवारी की जगह कोई और होता, क्या करते वो लोग? मगर क्योंकि कैपिटल में हुआ और उसकी विडो ने, उसकी बच्ची ने ओपनली सबके सामने कह दिया कि हमारे को इंसाफ नहीं मिल रहा है, तो आज आप कह रहे हैं कि हम वो 1 करोड़ देंगे, कि 1 करोड़ से बच्चे की जान आ जाएगी वापस। उधर यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव योगी पर निशाना साधते हुए कुछ ऐसा बोल गए जिस पर बीजेपी सवाल उठा रही है। तो मुख्यमंत्री है वही बने रहे, तभी तो हम लौटेंगे। सर आपका बोलना है योगी जी अच्छे हैं, योगी जी मैं ये कह रहा हूँ वो ऐसे ही फले फूल हैं, तभी तो हम लौटेंगे अच्छे बहुमत से, वरना कैसे लौटेंगे। कह रहा हूँ कि कैसे लौटेंगे हम 350 विधायक के साथ। 350 विधायक के लौटने के लिए मैं समझता हूँ आपके मुंह में घी शक्कर। विजय मिश्रा हमारे साथ बने हुए हैं। विजय, आपसे जानना चाहेंगे कि सीएम योगी ने भरोसा दिला दिया, परिवार आश्वस्त है, उनको ढारस बना दी है, परिवार उनके बात से संतुष्ट है, पुलिस अपनी कार्रवाई में लगी है, तो अब सियासत किस बात की हो रही है? देखिए बिल्कुल सही है कि यहाँ पर मुलाकात भी हुई मुख्यमंत्री से, और मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद यहाँ सरकार की तरफ से कार्रवाई भी तेज है, लेकिन उतनी तेजी के साथ विपक्ष के नेता भी यहाँ पर लगातार पहुंच रहे हैं। अगर आज सुबह से हम बात करें तो अखिलेश यादव जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर पहुंचे थे, अखिलेश यादव ने यहाँ पर मुलाकात की, बातचीत की, और उसके बाद फिर वो यहाँ से निकले। उसके थोड़ी देर पहले ही सतीश मिश्रा यहाँ पर पहुंचे थे, उन्होंने भी यहाँ पर परिवार वालों के साथ मुलाकात की और उसके बाद फिर मीडिया से बात की। अभी थोड़ी देर पहले ही जब हम खड़े हुए हैं तो इस समय अंदर मुलाकात चल रही है। ठीक है, लेकिन बड़े शर्म की बात है कि इतना गंभीर मामला है उस पर।